सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू पॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लास 12th का, और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपका इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा। इससे पहले मैंने इंटरवेटिव सेंटेंस आपको करा दिए थे, तो आपके दोनों टाइप के इंटरवेटिव सेंटेंस खत्म हो गए हैं और आज आपका चलेगा इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अंत तक वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे हमने रूल को डिस्कस कराए हैं और कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले हमने यहाँ पे रूल लिख लिए हैं। देखिए, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है, ठीक है। और इसमें आज आपका चलेगा इम्परेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है। रूल नंबर 1, इन वाक्यों में जो वाक्य दिए होते हैं उनमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या सुझाव प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है, यानी आपसे आज्ञा मांगी जाती है, आपसे प्रार्थना की जाती है, ठीक है, या परामर्श लिया जाता है किसी से, ठीक है, या किसी को हम सुझाव देते हैं, ठीक। तो इसमें प्रकट किया जाता है, कर्ता जो यू होता है वो इसमें छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, कर्ता जो होता है वो यू उसमें छिपा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2, सेड और सेड टू के स्थान पर आज्ञा के लिए, अगर सेड और सेड टू आ रहा है और उसमें आज्ञा मतलब आज्ञा वाला सेंटेंस है, उसमें आज्ञा देने के लिए क्या ऑर्डर का प्रयोग करेंगे या हम कमांडेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कमांडेड करना, जैसे ऑफिसर लोग होते हैं वो हमें कमांडेड करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कमांडेड वर्ड आता है, ठीक। वैसे नॉर्मल तो आपका ऑर्डर ही आता है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सबको। इसके बाद देखिए रूल नंबर 3, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड करना, रिक्वेस्ट करना किसी से, व्यक्त करना, इम्प्लॉयड करना, इसका प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में से आप प्रयोग कर सकते हो, सिचुएशन अलग अलग होती है, उस कंडीशन के साथ इनका होता है। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है रिपोर्टेड पार्ट जो कोमा और इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है वो वाला, ठीक है। उसमें क्या है, अगर प्लीज आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, इनमें से कोई वर्ड आ जाए या कांडली आ जाए, तो इससे प्रारंभ हुआ हो तो सेड और सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे हम कहते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, आई सेड टू यू प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। तो प्लीज यानी हमने रिक्वेस्ट की किसी से, ठीक है। सर कहा तो सर के लिए भी हम रिक्वेस्टेड वर्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमने मैडम कहा तो भी रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करेंगे, फाइनली होगा फिर भी रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज होगा, ठीक है। अब आगे देखिए रूल नंबर 5, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी वो आपका रिपोर्ट पार्ट वाला वही कॉमा बंद वाला, ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होता है, या उसमें ऑलवेज या नेवर से जब वो स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच, तो क्या करना, सेड और सेड टू की जगह हम क्या करेंगे, एडवाइज का यूज कर देंगे, इसका एडवाइज का यूज करेंगे, यानी जब जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होगी, तो वहां पे सेड और सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइज में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद का था ऑलवेज और नेवर के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज और नेवर के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर 6, नेगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, परंतु फॉरवर्ड के बाद नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी फॉरवर्ड में ही नॉट छपा होता है आपका, इसलिए हम इसमें उसके बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं। अगर हम फॉरवर्ड यूज ना करना चाहें तो हम नॉट, ठीक है, प्लस अब नॉट के बाद हम बी वन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नॉट के बाद बी वन यूज कर सकते हैं, अगर ऐसे फॉरवर्ड का यूज नहीं करें तो, ठीक। चलिए वो सेंटेंस आएंगे तब बता दूंगा आपको। रूल नंबर देखिए, आप अपना पहला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो टीचर स्टूडेंट से क्या कहेगा, ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, इसमें भाव निकालना होता है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंजक्शन की बात आती है, ठीक है,
तो यहाँ पे कंजक्शन यूज नहीं होता है, यहाँ पे केवल एक चीज ही होती है कि यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है, टू प्लस बी वन, ठीक है, तो टू हमने लगा दिया, अब बी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टैंड, तो स्टैंड लगा दिया, स्टैंड अप, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। टू ये क्या है, ये इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस बी वन, बी वन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज करते हैं, ठीक है, चलिए इसे रख करते हैं और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस नंबर दो देखिए क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन से कहा, तो प्रिंसिपल पियोन से ऑर्डर करेगा, ठीक है, ऑर्डर का भाव निकल रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर करेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑर्डर, ऑर्डर टू पियोन, क्या लिखा है, ऑर्डर्ड पियोन, पियोन से ऑर्डर, द पियोन लिखा है तो द पियोन लिखेंगे, द पियोन ऑर्डर किया, क्या कहा, रिंग द बेल, घंटी बजा दो, ठीक है, तो घंटी के लिए तो हम यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू बीवर लगता है, तो टू और बीवर रिंग हो गया, रिंग द बेल, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए सेंटेंस नंबर तीन, द जज सेड, जज ने कहा, ठीक है, जज सेड, जज क्या करेगा, कमेंडेड करेगा, ठीक है, ये ऑफिसर हो रहा है, द जज, ठीक है, कमेंडेड, कमेंडेड, अब क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगेगा, तो टू कॉल, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द फर्स्ट, द फर्स्ट विटनेस, तो विटनेस पहले गवाह को बुलाओ, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा, कमेंडेड करेगा, ये उसने बुलाया है पहले गवाह को, ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए आपका चौथा, ये भी ऑफिसर है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर, ठीक है, तो सेड टू किसने कर दिया, कमांडेड कर दिया, द कमांडर, कमांडर कमेंडेड, कमेंडेड द सोल्जर, सोल्जर टू फायर, फायर लगा हुआ है, टू फायर कर देंगे, टू फायर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सिर्फ कहता हूँ, लास्ट देखिए, लास्ट क्या कह रहा है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, तो मोहन, मोहन, अब सेड टू किसमें चल रहा है, इधर देखता हूँ प्लीज लगा हुआ है, और प्लीज के लिए हमने क्या बताया था, प्लीज के लिए किसका यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड का, तो रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड मी, मोहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की, प्लीज तो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, टू हेल्प मी, क्या हो जाएगा, टू हेल्प, और ये जो मी होता है किसके साथ चेंज होता है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन है, मोहन, तो मोहन के लिए क्या आ जाएगा, हिम, ठीक है। तो आज तो ये आपके पांच सेंटेंस थे रूल के, और अगले वीडियो में आपको और सेंटेंस दूंगा और रूल्स बताऊंगा इसके, कुछ जो डिफरेंट है, ठीक है, तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।